गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, होप यू आर फाइन एट होम। स्टूडेंट्स प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज दिस पेंडेमिक सिचुएशन इज वेरी सीरियस, सो कीप सेफ एट होम, टेक केयर। ओके, एंड दिस इज योर एमएससी क्लास, सो टेक आउट योर एमएससी बुक। In previous video, I had completed our chapter number 1, The Farmer Who Forgets, जो स्टोरी थी भुलक्कर किसान की, okay? In which I explained the whole chapter and complete your exercise and question answer. So, and today I am going to start our next chapter. Number 2, No One Is Always Free, which is given on page number 9. So open your book and come on page number 9. And here is your page number 9. In this page, your exercise is started. Sorry, your chapter number 2 is started. And the name of chapter is No One Is Always Free. ओके मीन्स कि कोई भी हमेशा फ्री नहीं होता है, सबके पास कुछ न कुछ हमेशा काम होते हैं। ओके, सो आपका ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो लेट्स स्टार्ट। सेम वाज ए बॉय हु लव्ड टू प्ले। सैम एक लड़का था जिसे खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। ओके, ही वॉज फाउंड ऑफ प्लेइंग गेम्स एंड नथिंग एल्स। उसे सिर्फ गेम खेलना पसंद था और कुछ नहीं, वो सिर्फ गेम खेलना ही पसंद करता था। कौन? सैम। ओके, जिसे खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। नो अदर वर्क इंटरेस्टेड हिम। किसी और काम में वो इंटरेस्ट नहीं लेता था, उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी किसी और काम को करना। बट हु कुड ऑलवेज बी फ्री टू प्ले विथ हिम। लेकिन कोई हमेशा उसके साथ खेलने के लिए फ्री हो सकता है क्या? और भी उसके जैसे फ्री हो सकते हैं जो उसके साथ हमेशा खेलने के लिए तैयार हो? ये तो हो नहीं सकता ना कि हर लोग उसके साथ खेलने के लिए फ्री हो। हमेशा तो ये हो नहीं सकता कि कोई उसके साथ खेलने के लिए फ्री हो। नो सॉरी, वन डे फीलिंग क्विट बोर। एक दिन काफी वो बोर फील कर रहा था। ही सेट आउट टू फाइंड ए फ्रेंड टू प्ले विथ। वह एक दोस्त के साथ खेलने के लिए निकला। दोस्त के साथ खेलने के लिए वो फ्रेंड ढूंढने के लिए निकला जो उसके साथ खेल सके। ओके, ही मेट ए स्क्वायर ऑन द वे। और फिर क्या हुआ? उसने एक स्क्वायर गिलहरी से मुलाकात हुई। वह एक गिलहरी से मिला। मिस स्क्वायर, Would you like to play with me? स्क्वायर से क्या बोलता है? मिस स्क्वायर, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहोगी? No, I can't. I have other work to do, replied the स्क्वायर। उसके बाद गिलहरी ने उसे क्या जवाब दिया? नहीं, मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास करने के लिए अन्य और भी वर्क है, मुझे और भी काम है जो मुझे करना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। सेइंग सो, शी रैन टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द ट्री टू कलेक्ट फ्रूट्स फॉर हर फैमिली। और उसके बाद इतना कहकर वह अपने परिवार के लिए फल लेने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गई। ओके, सैम केप्ट वॉकिंग अहेड। सैम आगे चलता रहा।
ही केम अपॉन ए स्पैरो। अब क्या हुआ, हुआ एक गौरैया से मिला, ओके okay? उसे एक गौरैया मिली। मिसेज स्पैरो विल यू ज्वाइन मी इन प्ले इन अ गेम। क्या तुम मुझे एक गेम खेलने में ज्वाइन करोगी, मेरे साथ खेलोगी? आस्क्ड सैम, सैम ने स्पैरो से गौरैया से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलोगी। यू वॉन्ट टू प्ले, तुम खेलना चाहते हो? देन प्ले योर गेम बाई योर सेल्फ, तो अपना गेम अपने साथ खेलो। ओके गौरैया क्या बोलती हो, अगर तुम खेलना चाहते हो तो अपना गेम अपने साथ खेलो। आई हैव टू फाइंड ट्विग्स टू बिल्ड माई नेस्ट, मुझे अपना घोंसला बनाने के लिए टहनियां ढूंढनी होगी। ओके ट्विग्स में टहनियां ढूंढनी होगी, किस लिए, उसे अपने घोंसले बनाने थे, इसलिए उसे ट्विग्स चाहिए था, इसलिए वह टहलियां ढूंढने के लिए निकली थी। इसलिए वो क्या बोली कि सैम से कि अगर तुम खेलना चाहते हो तो तुम खुद अपने साथ खेलो, क्योंकि मुझे अपना घोंसला बनाने के लिए टहनियां ढूंढनी होगी। कांट यू सी आई एम बिजी, क्या आप देख नहीं सकती हो कि मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। सेइंग सो द स्पैरो फ्लू अवे, इतना कहकर गौरैया उड़ गई। सैम वाज अगेन लेफ्ट अलोन, और सैम फिर अकेला रह गया, उसे कोई नहीं मिल रहा था जो उसके साथ खेले। ओके सैम केप्ट सर्चिंग फॉर अ फ्रेंड टू प्ले विथ, सैम एक दोस्त के साथ खेलने के लिए खोज कर रहा था, वो एक फ्रेंड को ढूंढ रहा था जो उसके साथ खेले। ही सॉ मेनी पीपल डूइंग देयर ऑन वॉक, उसने कई लोगों को अपने काम करते देखा। सडनली ही सॉ ए बी बजिंग अबाउट, हाय मिस्टर बी कॉल्ड आउट हैप्पीली, अचानक उसने किसे देखा, मधुमक्खी को भिनभिना रही थी, और उसने क्या बोला, हाय मिस्टर बी कॉल्ड आउट हैप्पीली, खुशी से उसे बाहर बुलाया। ओके उसने मधुमक्खी को भिनभिनाते हुए पाया तो उसे पूछा, हाय मिस्टर बी कैसे, खुशी से। व्हाट ए फाइन डे इट इज, क्या दिन है, Why don't you spend some time with me and have a play? आप मेरे साथ कुछ समय क्यों नहीं बिताते हैं एक गेम के लिए? Let's play hide and seek, आइए लुका छिपी खेलते हैं। The bee replied, तो मधुमक्खी क्या बोलती है, उसको क्या आंसर देती है, No sir, नहीं सर, No, नहीं, I don't have any time to waste on playing, मेरे पास खेलने में बर्बाद करने के लिए कोई टाइम नहीं है। आई हैव टू गैदर हनी, मुझे शहद इकट्ठा करना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द बी बज्ड अवे फ्रॉम देयर, और मधुमक्खी वहां से भिनभिनाते हुए चली गई। टर्न योर पेज। सैम Then went to the river. सैम फिर कहाँ गया, वह नदी पर गया। The river is always free. क्यों, क्योंकि नदी हमेशा फ्री रहती है, हमेशा। It will surely play with me. वह जरूर मेरे साथ खेलेगी, thought Sam. सैम ने सोचा। बट द रिवर रिप्लाइड, लेकिन नदी ने उसे जवाब दिया, यू थिंक आई एम फ्री, आपको लगता है कि मैं फ्री हूं, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, मेरे पास काम का बोझ है, सॉरी आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, मेरे पास काम का बोझ है। कांट यू सी, क्या आप नहीं देख सकते।
एंड इट केप फ्लोइंग टुवर्ड्स इट्स वर्क, और यह अपने काम की ओर बहता रहा। ओके, नदी क्या रही? अपने काम की ओर बहती रही। द गुड ओल्ड सन वॉज वॉचिंग ऑल ऑफ दीज, और बूढ़ा सन ये सब देख रहा था। He started laughing at Sam's plight. और सैम की इस दुर्दशा पे वह हंसने लगा। He chuckled, "Dear Sam, don't you see? Dear Sam, आपको दिखाई नहीं देता है? No one is always free. कोई भी हमेशा फ्री नहीं होता है। All of them have some work or the other. उन सभी के पास कुछ न कुछ काम है। ओके, सो गो होम सैम एंड हेल्प योर मदर, इसलिए सैम तुम घर जाओ। ओके, उसने क्या बोला सैम को कि घर जाओ और अपनी माँ की मदद करो। स्टार्ट स्टडिंग एंड डू योर वर्क, पढ़ाई शुरू करो और अपना काम करो। नाउ सैम अंडरस्टूड दैट ही वाज ओनली वेस्टिंग हिज टाइम, अब सैम समझ गया था कि वह केवल अपनी टाइम की बर्बादी कर रहा था, टाइम वेस्ट कर रहा था, अपने समय की बर्बादी कर रहा था। ही वेंट होम, वह घर गया एंड स्टार्टेड हेल्पिंग हिज मॉम, और अपनी माँ की हेल्प करने लगा, मदद करने लगा उनकी कामों में, एंड स्टडिंग और पढ़ाई करने लगा। ओके, सो ये थी आपकी स्टोरी। नो वन इज ऑलवेज फ्री, कोई भी हमेशा फ्री नहीं होता है, हमेशा उनके पास कुछ न कुछ काम करने को होते हैं। अगर आप फ्री हो तो ये नहीं है कि हर कोई उस टाइम फ्री हो और आपके साथ खेले। ओके, और मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम बाय प्लेइंग ऑल द टाइम, हमें हर समय खेल कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड यूटिलाइज इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, हमें इसका बेस्ट यूज करना चाहिए। ओके, हमें टाइम का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए, उसका बेस्ट उपयोग करना चाहिए, न कि उसको खेल कर अपना समय वेस्ट करना चाहिए। हमें अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देना चाहिए और उसे अच्छे कामों के लिए यूज करना चाहिए, जैसे घर पे अपनी मम्मी की हेल्प करना, दूसरों की हेल्प करना, उनके वर्क में अपने काम करना, अपनी पढ़ाई करना, स्टडी करना। ओके, हमेशा खेल में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, हमें टाइम का बेस्ट यूज करना चाहिए, कैसे? घर पे काम में मदद करवाकर, अपनी माँ की हेल्प करवा के, और टाइम का कैसे यूज करना चाहिए? स्टडी में। ओके, सो आपकी स्टोरी फिनिश हुई। ये स्टोरी थी सैम की, जिसे खेलना बहुत पसंद था और वो खेलने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, और उसे लगता था कि और भी लोग हैं जो खेलना पसंद करते हैं और उनके जैसे फ्री हैं। लेकिन उसने क्या पाया कि कोई भी फ्री नहीं है, सबके पास कुछ न कुछ काम है। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने टाइम का बेस्ट यूज करना चाहिए, उसे सिर्फ खेल कर टाइम का वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा खेल कर टाइम का वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका सही उपयोग करना चाहिए, कैसे? अपने घर में अपनी मम्मी की हेल्प करवा कर, अपना काम खुद करके, और पढ़ाई में। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को
स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो इसे एटलीस्ट आप लोग 2 टाइम रीड कीजिए एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओके और आज की हमारी क्लास से ओवर होती है। सो स्टूडेंट्स प्लीज बी सेफ एट होम, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड स्टडी। बाय बाय।